हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हेडफोन, ईयरफोन, बर्ड्स, नेक बैंड, जो भी आप खरीदने जाते हैं तो आप क्या ध्यान देते हैं कि उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या दिए हुए हैं, कि आप सिर्फ ये देख लेते हैं ये स्वेट रेसिस्टेंट है, वाटर रेसिस्टेंट है, मजबूत है, स्टर्डी है, और उसके बाद आप परचेस कर लेते हैं और लोगों की रेटिंग जो है वो देखिए अपने हिसाब से रेटिंग करते हैं, वो आपके हिसाब से रेटिंग नहीं करते हैं। जी हाँ, कि उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, या आप जो ऑडियो फाइल होते हैं उनकी आप रिव्यू देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो ईयरफोन हेडफोन कैसा है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, अगर आप ईयरफोन हेडफोन परचेस करने जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मैं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग ईयरफोन हेडफोन खरीदने जाते हैं तो हम लोग को ड्राइवर साइज जो है अभी करंटली सारे जो है ब्रांड्स पे देखने को मिल जाता है कि 8 mm है, 6 mm है, 7 mm है, 10 mm है, 12 mm है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ड्राइवर साइज बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी साउंड क्वालिटी कैसी होने वाली है। देखिए, डायनामिक ड्राइवर की खासियत होती है कि वो बेस, मिड्स, ट्रेबल अच्छी क्वालिटी में प्रोड्यूस करता है। आर्मेचर की खासियत क्या होती है कि वो वोकल बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस करता है लेकिन बेस उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अगर डायनामिक ड्राइवर है तो आपको बेस, थंब और जो मिड्स है वो भी काफी अच्छा और कूल मिलने वाला है। जी हाँ, तो ड्राइवर साइज जितनी बड़ी होगी उतनी लाउडनेस ज्यादा होगी, बेस ज्यादा होगी, मिड्स ज्यादा होगी और जो है थंपिंग बेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं इम्पीडेंस की, अब देखिए इम्पीडेंस का क्या काम होता है कि वो आपके ड्राइवर को कितनी जो है पावर रेसिस्टेंस दे रहा है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो है कितना दे रहा है। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, एक 6 mm का डायनामिक ड्राइवर है उसमें आप 16 ओम मतलब इम्पीडेंस दिए हुए हैं तो वो एकदम ब्यूटीफुल साउंड प्रोड्यूस करेगा। वोकल्स अच्छे आएंगे, मिड्स अच्छे आएंगे, ट्रेबल अच्छे आएंगे, बेट्स अच्छे आएंगे, मतलब एक परफेक्ट तरीके से आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप 32 ओम डाल देंगे तो वहां क्या होगा कि जो बेस है वो ओवर आएगा और डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, आप ईयर पे इफेक्ट आएगा, वोकल्स है वो उतने क्लियर नहीं आएंगे कंपेयर टू 16 ओम। तो वो जो ड्राइवर होता है अगर उसके ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से अगर आप इम्पीडेंस डालेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, वो ये देखते हैं 6 mm का अगर डायनामिक ड्राइवर है, 32 ओम का इम्पीडेंस दिया गया है तो ये जो है बेहतर साउंड प्रोड्यूस करेगा। जी ऐसा नहीं होता है, वो तब होता है जब आप साउंड स्टेज कोई कॉन्सर्ट में जाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलता है ओम, जैसे 600 ओम देखने को मिलता है तो वहां पे एकदम थंपिंग बेस चाहिए होता है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा ओम, क्योंकि उतनी करंट जो है ड्राइवर को चाहिए होती है कि वो ज्यादा बेस, ज्यादा वोकल, ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस कर सके। लेकिन ऐसा ईयरफोन हेडफोन में नहीं होता है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होता है क्योंकि अगर यहाँ पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे तो ह्यूमन ईयर पे इफेक्ट आने लगेगा, जो कि चाइनीज कंपनियां बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। वो कुछ भी घुसा के आपको कुछ भी दे देती हैं और आपके ईयर पे क्या इफेक्ट हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। जी हाँ, तो आप कभी भी ईयरफोन हेडफोन खरीदिए तो कृपया ब्रांडेड ही खरीदिए। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड की। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड का। अब देखिए, अगर आप ऑडियो फाइल हैं और बहुत ज्यादा देरी तक आप सॉन्ग सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, तो आपको वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए। अब देखिए, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो 20 Hz से लेकर 20,000 Hz की फ्रीक्वेंसी ही बस वो सुन सकता है, एब्जॉर्ब कर पाते हैं उसके ईयर्स। लेकिन अगर इससे वाइड लेंगे तो जो भी इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, जो आप उसे जो है ऑडिएबल नहीं होता लेकिन जब आप उसे सुनेंगे तो आप उसे महसूस कर पाएंगे और इतना अच्छे से वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, मधुर संगीत, मेलोडियस साउंड में बोलूं तो ऐसा वो प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो वाइड रेंज फ्रीक्वेंसी होता है वो आपके बेस को भी ऑप्टिमाइज करता है, आपके साउंड क्वालिटी को भी ऑप्टिमाइज करता है, सारी चीजें ऑप्टिमाइज करता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बेस को रिप्रेजेंट करती है, जो एंड फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके सॉन्ग के डिटेल को रिप्रेजेंट करती है। ट्रेबल होता है मतलब आपके ईयर पे बिल्कुल भी सॉन्ग या बेस हिट नहीं होगा और वो आपको एकदम खूबसूरती से सॉन्ग आपको सुनने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक सोनी का हेडफोन लिया था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 4 Hz टू 24,000 Hz, जो नॉर्मल ईयरफोन होती है उसकी होती है 20 Hz टू 20,000 Hz। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेस की थोड़ी क्वालिटी वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो मैंने लिया था उसमें एक्स्ट्रा बेस वेरिएंट है सोनी का, XB55 AP, तो वहां पे अलग से एक टेक्नोलॉजी इनपुट किया गया है जिसकी वजह से बेस भी वहां पे बहुत ही तगड़ी आती है। जी हाँ, और वहां पे साउंड डिटेल भी आपको तगड़ी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप 20 Hz से लेकर 20,000 Hz लेंगे तो वहां आपको बेस ज्यादा देखने को मिलेगा और वॉकस भी काफी अच्छे आएंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं आएंगे जैसा आपको सोनी में देखने को मिलेगा। जी हाँ,
अब हम लोग बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी की। अब देखिए सेंसिटिविटी क्या होता है, डेसिबल लाउडनेस क्या है। अब देखिए बहुत सारी ईयरफोन की होती है 100, 104, 110। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक ईयरफोन हेडफोन खरीदते हैं, क्योंकि देखिए कई कई होता है 150 डेसिबल दे देते हैं, तो मतलब अगर आप 50-60% वॉल्यूम पे जाते हैं तो आपके ईयर पे डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। तो इतना ज्यादा भी डेसिबल मत लीजिए, जी हाँ, क्योंकि आपके ईयर पे इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, जैसे मैं XB55 यूज करता हूं, तो उसमें 110 डेसिबल है। एक शॉटगन की जो साउंड होती है जब आप उसे शूट करते हैं तो 110 डेसिबल होती है। तो आप सोच लीजिए इस ईयरफोन में भी उतना ही लाउडनेस दिया गया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसको ऐसा ऑप्टिमाइज किया गया है और ड्राइवर साइज से कि ये बिल्कुल ही लाउडनेस जो है इतनी कॉम्पैक्ट है, इतनी अच्छी तरीके से आती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपके ईयर पे थोड़ा भी इफेक्ट पड़ रहा है। जी हाँ, और अगर आप कोई चाइनीज ब्रांड लेंगे 110 डेसिबल का तो आपके ईयर को फाड़ के रख देगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिए, जो अच्छे ईयरफोन्स होते हैं वो 100-110, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, मैं सोनी MDR EX150 CP यूज करता हूँ, उसमें भी 104 डेसिबल है, लेकिन उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है। मैं आपको बता दूं, मैं नॉइज़ शॉर्ट ग्रुप यूज करता हूँ, उसकी शायद 100 डेसिबल होगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ सोनी की 104 है, उसके बाद भी जो लाउडनेस है वो नॉइस से कम है, और जो बेस और जो मैं आपको बता दूं साउंड क्वालिटी, जो क्लियरेंस होता है, जो ट्रिबल होता है, वो कहीं ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू नॉइज़ शॉर्ट ग्रुप। ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, सेंसिटिविटी, इम्पीडेंस और ड्राइवर, ये सारी चीजें मिलके एक ईयरफोन को बहुत ही तगड़ा बनाती हैं। और अगर आप एक ब्रांडेड ईयरफोन यूज करते हैं और ये सारी चीजें उसमें देखते हैं, फिर आपको एक अच्छा ईयरफोन मिल जाएगा। जी हाँ, अगर आप चाइनीज कंपनी की बात करें, वीवो, ओप्पो, आजकल ये भी अच्छे बना रहे हैं, लेकिन ये अपने जो स्पेसिफिकेशन होते हैं जो है ईयरफोन हेडफोन के, ये लगभग मिसिंग ही रहते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है मुझे लगता है कि क्या है, पर ड्राइवर साइज आपको बता देंगे इतना है, फलाना है, ढिमका है, बाकी सारी चीजें मिसिंग ही रहती हैं लगभग। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, बस ये दिखाएंगे कि फास्ट चार्जिंग है, ये है, वो है, 10 मिनट चार्ज करिए, 10 घंटे चलाइए, यही सब आपको देखने को मिलता है चाइनीज में। लेकिन अगर आप प्रॉपर सेनाइजर के लेंगे, सोनी के लेंगे या और कंपनी के लेंगे, स्केलकंडी के लेंगे, तो वहां पे आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई हैं इसमें, क्या क्या चीजें कैसी हैं, तो उस बेस पे भी आप अपने ईयरफोन हेडफोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।